दोस्तों, आज मैं आपको घर में ऑर्गेनिक विधि से अदरक का लाभ कैसे लिया जा सकता है यह बता रहा हूँ। मैंने इस कंटेनर में मिट्टी के साथ ऑर्गेनिक खाद और कंपोस्ट दोनों मिला ली हैं। अब इस पे मैंने अदरक के 4 बीज डाल दिए हैं और इसको अपने पानी दे के छोड़ दूँगा और फिर देखेंगे बाद में। अब चूँकि इसके बाद ये 9 अक्टूबर के बाद नवंबर के महीने जब आ जाता है तो बरसात भर इसने बाहर ही रही है पानी में। अब इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं, इसका मतलब है कि ये अब तैयार हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे, ठीक है। और इसका लाभ दोस्तों आप भी ले सकते हैं। घर के किसी बचे हुए कंटेनर में या गमले में आप खाद मिट्टी वगैरह दे के इस पर कोई आपको एक्स्ट्रा मेंटेन करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको घर पे ही घर के किचन के बचे खुचे सामान से कैसे ऑर्गेनिक खाद जैविक खाद बनाई जाती है वो बताऊंगा। और अभी 4 महीने बाद 4-5 महीने बाद इसे निकाला जा रहा है, क्योंकि मिट्टी सख्त हो चुकी है इसलिए इसे थोड़ा सा ढीला किया जा रहा है। और अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमने जो 4-5 बीज डाले थे उसमें से हमें कितनी अदरक प्राप्त तो हो रही है। और चूंकि ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है इसलिए ये है स्वास्थ्य के लिए भी आपके बहुत लाभदायक है। और देसी अदरक चूँकि मैंने लगाई है इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है और मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी ज़्यादा अधिक होती है। तो अब हम देख रहे हैं ये निकलनी प्रारंभ हो गई है। और देखिए दोस्तों, ये इस पे से निकल आई है और देखिए शानदार इसमें एक अनुभूति होगी, आपको खुशी मिलेगी जब आप देखेंगे। चाहे जितना भी आपके साथ इसमें आपको अदरक प्राप्त हो रही है या घर पे जितना भी निकल रहा है, आपने ये चीज़ गौर की होगी कि जितना मैंने कम बीज लगाया था उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छी अदरक निकल के सामने आई है। और आप भी अपने घर में इस तरह अदरक उगाइए और खाली समय इससे आपके खाली समय का सदुपयोग होगा और एक सकारात्मक आपकी सोच बनेगी कि घर में अदरक ही नहीं बाकी और भी कई चीज़ों के लिए आप इसके समय का अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक खाद चूँकि आप घर पे ही बनाएंगे तो उसकी भी कोई लागत नहीं आनी है। तो प्रकृति से हमें इतना जब कुछ सब कुछ मिल रहा है तो हमें केमिकल वाले सामान से बचना चाहिए और घर पे अपने खाली समय का सदुपयोग कर इस तरह की अदरक ही नहीं लहसुन अदरक मूली आदि कई सब फसलों का लाभ लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो में आपको जैविक खाद बनाना बताऊंगा और इसमें आपको जो भी सुझाव हों वो दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।